दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं गुलाब के बारे में कि सर्दियों में हम गुलाब से ज़्यादा फूल कैसे प्राप्त करें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डनिंग चैनल पर। यदि आपने भी गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं तो आप जान लीजिए कि सर्दियों में आप गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं एवं बड़े फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा एवं बड़े बड़े फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो सामने गुलाब के पौधे देख रहे हैं यह पूरी तरीके से हरे भरे बने हुए हैं, इन पर ढेर सारे फूल भी खिले हुए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे पर भी इतने ज़्यादा एवं बड़े फूल आएँ तो आपको करना क्या, आपको अपने गुलाब की केयर बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है ताकि आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर पाएँ। सर्दियों में हमें अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें उसमें उतना ही पानी देना है कि हमारे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, इससे ज़्यादा हमें उसमें पानी नहीं देना है। हमें जितना हो सके अपने गुलाब के पौधे को धूप में रखना है क्योंकि धूप में रखने से हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे को लगभग पूरे दिन की धूप देनी चाहिए और हमें सर्दियों में अपने गुलाब के पौधे में समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहना है ताकि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। आप जो सामने इस गुलाब के पौधे की जो पत्तियां देख रहे हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं। तो हमें सर्दियों में इसमें पानी बहुत ही कम देना है ताकि हमारा जो गुलाब का पौधा है उसकी पत्तियां पीली ना पड़ें और हमारा गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए एवं हेल्दी भी बना रहे। इन सभी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है तभी हम अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आऊँ जिससे आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल पाने के साथ साथ बड़े फूल भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उस फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा बड़े बड़े फूल प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले आप जो सामने मेरे गुलाब के पौधे की मिट्टी को देख रहे हैं ये काफ़ी भुरभुरी बनी हुई है क्योंकि मैं इसमें पानी बहुत ही कम डालता हूँ। आप जितना अपने गुलाब के पौधे में पानी कम डालेंगे आपका गुलाब का पौधा उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। आप जो सामने देख रहे हैं ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है जो कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा एवं ऑर्गेनिक खाद है। तो चलिए मैं इस वर्मी कंपोस्ट को इस पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देता हूँ। आपको इसी तरीके से लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लेना है और अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने जो अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी है उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। आपको भी इसी तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट को डाल देना है। मैं इस वर्मी कंपोस्ट को अपने दोनों पौधे में डाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों पौधों में इस वर्मी कंपोस्ट को डाल लिया। आपको भी इसी तरीके से आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट को डाल देना है। इससे हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है एवं हेल्दी भी बना रहता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरीके से डाल दिया है और हल्के आँच से अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें वो दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा है जिससे हमारे गुलाब के पौधे पर बड़े बड़े फूल आएंगे। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये मैंने पोटाश ली हुई है, ये मैंने एक चम्मच पोटाश ली हुई है और इस एक चम्मच पोटाश को मैं इन दोनों गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल लेता हूँ। आपको भी इसी तरीके से एक चम्मच पोटाश लेनी है और अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देनी। इससे हमारे गुलाब के पौधे पर जो फूल आते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े आते हैं और आसानी से हम बड़े बड़े फूल प्राप्त कर पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपने दोनों पौधों की जो मिट्टी है उसमें इस पोटाश को डाल दिया है। डालने के बाद हम हल्के हाथ से इस पोटाश को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये पोटाश हमारे जो पौधे की मिट्टी है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे हल्के हाथ से मिक्स कर दिया। आपको भी इसी तरीके से पोटाश को हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो
कर पाए। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आसानी से पानी दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ ताकि हमारा जो गुलाब का पौधा वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें पानी को डाल दिया। आपको भी इसी तरीके से अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें इन दोनों फर्टिलाइज़र को डालने के बाद पानी दे देना है, ताकि आपका गुलाब का पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए और उस पर ज़्यादा एवं बड़े बड़े फूल भी आसानी से आ पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब हमारे जो गुलाब के पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे और उन पर ज़्यादा बड़े बड़े फूल भी आसानी से आ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से इन दोनों फर्टिलाइज़र को डाल देना है और डालने के बाद अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसमें पानी दे देना है, ताकि आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा बड़े बड़े फूल आ पाएँ। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमने चैनल नया बनाया, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।